ओम शांति, ओम शांति। फिर से सब बोलो ओम शांति। सब कुछ राजी है ना? कुछ राजी है ना? जो राजी है वो खुश रहते हैं, जो खुश रहते हैं वो राजी रहते हैं। सिंपल बात। पहले खुश रहना या पहले राजी रहना? खुशहाल है ये सामने सामने, यहाँ आ जाओ, आओ यहाँ सामने आ जाओ, यहाँ बैठो। अभी मैं क्यों इसको बताती हूँ? अभी हर बात अच्छी तरह से ध्यान से सुनना, लिखना। खुश रहने में राजी रहते हैं या राजी रहने में खुश रहते हैं? जो समझते हैं राजी रहने में खुश, हाथ उठाओ। जो खुश रहने में राजी होते हैं, हाथ उठाओ। कोई दोनों में नहीं उठाते हैं, कोई दोनों में नहीं उठाते हैं। अभी इस पर बाकी बाबा का 3-4 दिन गिनती के है, तो मेरे को तो चित्त में ना लगी, पर ये चिंता नहीं है, चित्त में ना है। अंदर बार बार ये बात आती है, बाबा जो बाकी थोड़ी कमी रही पर ये ना खलास कर देंगे, भी सब साथी है ना। जो भी कोई छोटी बोटी, छोटी वो तो अंदर मोटी होती है, मोटी दिखाई पड़ती है, छोटी दिखाई नहीं पड़ती है, है छोटी पर अंदर मोटी है, पर नुकसान करने वाली है, करती है। अब ये समय है, मधुबन में फ्री है सभी, कोई काम तो है नहीं, मधुबन कोई काम तो है नहीं, तो अपने आप को देखने का काम अच्छा है। देखना, अपन को जानना, फिर पापा को सामने रखना। उस समय ये है बदलना, इस समय है अपने आप को बदलना। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। जग को बदलने के लिए मेरी जिम्मेवारी नहीं है। एक बाबा का वरदान मुझे बहुत याद है, और बदले उसे टाइम नहीं गमाओ। ये बदले, ये बदले, बदले, वेस्ट ऑफ टाइम। समय अनुसार जब बाबा के बच्चे हैं, सच्ची दिल से मैं पुरुषार्थ करूं, मैं ऐसे बदलूं जो मेरे को देख कईयों को सहज बदलना, बदलना सहज हो जाए, तो मुझे बदल के केंजो के क्या बनने का। बाबा ने बड़ा स्पष्ट आईना दिया है, सत्युगी देवता बनने में नंबरवार हो जाएंगे, पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। उसने पूरे दैवी गुण धारण करना है अच्छी तरह से, और सदा के लिए सर्वशक्तियां, माना 8 तो असुर स्पष्ट शक्तियां
बाबा ने लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में यूज करने के लिए हमको दी है। आठ शक्तियों का ज्ञान है, परंतु यूज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप स्पेशल शक्ति देता है। ऐसे वो अगर शक्तियों का ज्ञान है पर मेरी लाइफ में यूज नहीं हो रही है, माना सर्वशक्तिमान बाप से कनेक्शन नहीं है, इसलिए अंदर सूक्ष्म कमजोरी, अंदर छिपके बैठ गई है, उसको साथ दे अपमान साथ दे रहा है। इसलिए मेरे बाबा मीठे 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 कितना बारी कहूं मीठे 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 बाबा का ये महावाक्य है। एक देय मानी भव है, अशरीरी भव है। मैंने एक बारी यहां ओम शांति भवन में सफर किया था, फिर भी कहती हूं देय मानी भव है, अशरीरी भव है, विदेही मुक्त। ये बाबा रोज सुनाता है, यानी जितना आत्मा में देह का अभिमान भर गया है वो सारा निकल जाए, मैं आत्मा, फिर अशरीरी शरीरियां मैं, अंदर गुप्त अभ्यास। बहुत इसकी एक अच्छी टेस्ट बैठ जावे अशरीरी बनने की, तो वो है कार्य व्यवहार में रहते, सेवा करते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस द्वारा कर रही हूं, देख भी रही हूं, हाथ से भी कर रही हूं, बात भी कर रही हूं, पर मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा इसमें है, वो देख रहे हैं हम, पर ब्रह्मा बाबा आत्मानी स्थिति में रहने के लिए इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, बात मत पूछो। पता चलता था अभी शिव बाबा इसके द्वारा बोल रहा है, शिव बाबा दृष्टि दे रहे हैं, तो बाबा को हम कहते थे, बाबा ने कहा सारा टाइम अगर ये बैठ जावे ना तो ये मेरा, पहले भी बाबा का बाबा ब्रह्म शिव बाबा ये बड़ा लाल लाल होता था, वो बैठ जावे तो पता नहीं क्या हो जावे, वो आ करके अपना काम करता है, तो इसको जो डायरेक्शन देता है श्रीमद देता है वही तो पालन करेगा ना, ब्रह्मा बाबा ही पालन करेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा सुना रहा है दिन भर में चलते फिरते खाते, बाबा रेस्ट कर ऐसे लेटा हुआ है तो याद में खा रहा है, याद में चल रहा है, भंडारे में चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बाबा देख रहा है, दिखाई पड़ता था। बाबा का आत्मानी स्थिति में रहने का नेचुरल था, इसलिए मैं घड़ी घड़ी ध्यान अपने ऊपर रखती हूं,
पर मेरे को ये साथ भी चाहिए, आवाज से व्यक्त भाव से बात कोई न करे न तो अच्छा है। भले मैं बैरी हूं इसका मतलब नहीं है तो मेरे से कोई आवाज से बात करे, जरूरत तो नहीं है। शॉर्ट में समय अनुसार हो सकता है, पर व्यक्त भाव और अव्यक्त स्थिति का कॉन्ट्रास्ट, सोचना बोलना देखना व्यक्त और अव्यक्त में क्या अंतर है, किसका ध्यान है इस बात में। साकार बाबा में, साकार में होते भी अव्यक्त, पर अभी अव्यक्त है, अव्यक्त होते भी साकारी भाषण दे रहा है, ऐसी दे रहा है जो हम साकार में शरीर में होते अव्यक्त बाप दादा से ऐसी शक्ति ले रहे हैं, जो जी चाहता है बाबा तुम्हें देखती रहूं, बाबा तुम्हें देखती रहूं, बाबा कहते मैं बच्चों को देखता रहूं, क्योंकि दृष्टि में ही बहुत सुख मिलता है। परंतु उसमें भी क्या है, आजकल कईयों को लगता है मैं यहां लाइन में आऊं बाबा से दृष्टि लूं तो अच्छा है, पर दृष्टि चलो बाबा से लाइन में न चांस नहीं मिलता है तो समझते हैं औरों को मिलता है हमको नहीं मिलता है, ये भी फीलिंग न हो। अरे दृष्टि किसको लेनी है ना, अभी भी मेरी दृष्टि में बाबा, बाबा की दृष्टि में मैं, मुझे अपने आप को बाबा की दृष्टि में मैं रहूं उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, मैं पूछती हूं। बाबा मुझे दृष्टि में देवे पर मैं बाबा के दृष्टि में रहूं, कौन मेरे से ये रूवरयान करेगा बाबा की। जिस बच्चे पर नजर पड़ती है, जो बच्चा बाबा की नजरों से निहाल होता है, बाबा उसको छोड़ता नहीं है, कहीं भी होगा बाबा उनके सामने हाजिर है, बच्चा बाप के सामने हाजिर है। भक्ति में कहते हैं परमात्मा हाजिर नाजुर है, वो भक्ति में भावना थी हमारी, प्रैक्टिकल तो भगवान हाजिर नाजुर नहीं था, भावना थी। अभी हमारा अनुभव है बाबा सदा हमारे साथ हाजिर है, हमारी नजरों में बाबा है, बाबा की नजरों में हम है, बाबा हमको अपनी नजरों में बिठा करके देवता सत्यों में बनेंगे, अभी फरिश्ता बनाने चाहते हैं। तो मेरी ये अंदर चल रही है बात दिल में, फरिश्ते कैसे होंगे और फरिश्तों को हर धर्म वाले मानते हैं, हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान फरिश्तों को मानते हैं, ऊपर है उनके हाथ ऐसे हैं, देवताओं से कुछ मांगेंगे, फरिश्तों से कुछ मांगते नहीं है, उनकी वो रक्षक है एकदम,
फरिश्ते, तो फरिश्ते हमारे ऊपर, तो बाबा मामा हमारी को इतनी पालना दी है, इतना अच्छा पराया है, इतना अच्छा प्राप्ति हुई है, तो जैसे हमारे को लगता है हम ही तो बन सकते हैं फरिश्ता। तो मैं पूछती हूं किसके दिल में अंदर है अपने लिए भावना मैं बन सकती हूं। अभी इसलिए भागती भागती भले मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा मुझे यहां 9 बजे क्लास में चलना है, जाना है, भले आप ही रात को ऐसा हाजिर हो गए हैं, क्यों हाजिर हुए हैं? क्यों हाजिर हुए हैं? सेवाएं तो करने वाले कर रहे हैं, बहुत सेवाएं हो रही है, ढेर सेवाएं हुई है उसमें, उसमें जिसने भी कोई सेवा की है इतनी की है, सारे विश्व में इतनी सेवाएं हुई है, हर एक देखे इंडिविजुअली कितनी सेवा की है, पर साथ साथ देखे कितना बाबा को मैंने याद किया है। ऐसी याद है जो जहां भी रहूं ना, जहां भी उसको बाबा की याद दिलाया जावे। केरल मस अभी याद में आई है, 20 साल से मैं कोशिश करती रही हूं, सेवा बहुत, लिखने की पढ़ने की बहुत सेवा है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, पर ऐसे बैठने का टाइम ही नहीं है। ऐसे शांत में रहना जो बाबा ने एक ही बारी जब कहा, एक बार दो बारी कहा होगा, मधुबन की 4 धामों की यात्रा, मैं समझ थोरों ने इसका फायदा उठाया है, बाबा के कमरे का, झोपड़ी का, हिस्ट्री हॉल का, ये हमारा शांति सितम का, किसने फायदा उठाया? पूछती हूँ, चारों धाम की यात्रा, बाबा के कमरे में बाबा के साथ बैठने का, ये लिखने और पढ़ने और बोलने की जो आदत है ना, टाइम ही नहीं है उनको, सेवा में इतनी बिजी है, बस सारा दिन रात मैं तो फ्री हूं, सेवा नहीं करना है। चौथा सब्जेक्ट है ज्ञान, फौरन योग पे धारणा शिवा हुई पर। मेरा बाबा कहता है बच्ची ज्ञान माना योग, ज्ञान माना योग, योग माना धारणा, एक्यूरेट मर्यादा पर चलना, नियम मर्यादा सभ्यता, ईश्वरी परिवार के साथ, सारे परिवार के साथ अति प्यार, चेक करें किसी को भी कोई कारण से मेरे लिए थोड़ी तकलीफ है, मिटा दो, माइंड में न रखो। जैसे कल बताया दिल और मन, दिल साफ हो, सच्ची हो तो मन शांत होगा, कितना भी कोशिश करेंगे
मन शांत हो बुद्धि एकाग्रता की शक्ति से योग लगावे। एकाग्रता की शक्ति के बिगर योग नहीं लगता, ऐसे अपने आप को ठगी मत करो अपने आप से। आधा पंद्रह पौना घंटा योग होगा, अमृत वेले होगा सब, पर सच्चा चार बाबा का चार सच्चा रखो। योग क्या है, गहराई में जाओ। योग का ज्ञान मिला है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये ज्ञान मिला है। अपन को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, हर एक अपन से पूछे, सच्ची दिल से पूछे। तो उस याद में जो भी कोई मेरे तन को मन को कोई भी प्रकार की बीमारी है चली जाएंगी। जो मेरे बाबा के महावाक्य है, बच्चे आयु बढ़े काया निरोगी होवे। ऐसे आयु बढ़े वो काया निरोगी न रहे योग नहीं है। ये मीठे बाबा के महावाक्य है। कोई भी कारण हो, देह का और संबंधियों का, फलाने का, टीरे का, कोई भी किसी का मत कारण कुछ भी हो, परंतु देखा है अनुभव कहता है कारण बताता है मेरी स्थिति कैसी है। इसलिए कारण हमारी स्थिति की चेक करने के लिए आता है, सोचने के लिए नहीं आता है, मूंछने के लिए नहीं आता है, घबराने के लिए नहीं आता है, देखने के लिए आता है कहां तक। ज्ञान योग अपने धारणा पर ध्यान रखते हैं, अपने धारणा पर ध्यान रखते हैं तो मुझे इस बात पर एक बात कभी नहीं भूलती है। मैं पुणे में थी तो मेरी एक समझो हाबी का हो कुछ भी कहो, जब तक अच्छी अच्छी बातें आपस में चिट न करें ना तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा। शुरू से लेकर के जहां भी होंगी तो कोई ना कोई अच्छी बात निकले, तो तभी हमको याद है। तो बोला था क्लास में ज्ञान योग दाना सेवा चारों सब्जेक्ट नंबर पहला किसको देंगे। बहुत अच्छी रुवरियां चल रही थी सारे क्लास में। मैं बताऊं हमने क्या बोला होगा उस घड़ी, वो मुझे असर भूलता नहीं है। शब्दों में आता है ज्ञान योग दाना सेवा, पर प्रैक्टिकल रुवरियां करते मैंने कहा धारणा पहले है। क्या कैसे पर स्पष्ट हुआ, धारणा पर ध्यान है ना अपने ऊपर, तो ज्ञान यूज करते हैं योग लगता है। कईयों का अपने धारणा पर गुणों पर संबंध में व्यवहार में ध्यान नहीं है, तो
ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को प्रिय लगता है, माना उसके जीवन में ज्ञान है। योग उसके जीवन से लगता है, कितने युग से सफलता पाई है। मेरी धारणा में कोई भी कमी होगी, योग नहीं लगेगा। कितनी भी मेहनत करो, योग का गहराई में जाना हो तो पहले धारणा पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमने हमने विश्व रतन दाता का देखा, सारी लाइफ में धारणा पर बड़ा ध्यान था, बोलने पर बड़ा ध्यान था, भोजन खाने पर ध्यान था। अमृत वेले चर्च क्लास के टाइम में पहले बार कई होंगे जुतियां देखेंगे पीछे आएंगे, और आए पीछे आएंगे, वो पहले बैठता था। और मैंने बताया उस दिन, तो एक बार मैंने पूछा, आपका इतना याद में रहने की, क्योंकि सेवा में कभी बाहर में बाबा ने कभी भी सेवा में कहीं नहीं गया था, एक ही बारी बॉम्बे आया था, बाबा ने पुणे भेजा था हमारे पास, यज्ञ की सेवा में रहा। बाबा ने कहा ये बैठा है ना तो अच्छा है, यज्ञ का बहुत ध्यान, हर प्रकार की सेवा यज्ञ की होंगी, ताकि इंजेक्शन भी लगाएगा तो विश्व रतन दाता लगाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा वो करेगा, जो भी काम होगा तो यही करेंगे, रोटी पकाने वाला कोई नहीं होगा तो रोटी पकाने का हाजिर हो जाएगा, हम बहनों को गर्म पानी की बाल्टी लेकर बाथरूम में रख देता था, तब नल के बाथरूम में नहीं होते थे, क्या सेवाएं की होंगी, पर बोलता कभी नहीं देखा, दृष्टि सदा ही अच्छी। तो मुझे ये बताता है जानकी, मैं ध्यान रखता हूं, मेरे कारण से किसी का व्यर्थ ख्याल न चले, मेरा योग नहीं लगेगा। मुझे वो घड़ी वो दिन मेरे भाई का भूलता नहीं है। मैंने क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछा, मेरे कारण किसी का व्यर्थ संकल्प न चले, समझो मिसाल देता है, समझो किसकी डायरी मैंने अच्छी रखी, देखी मैंने परी पर स्थान पर न रखी, उसने ढूंढा, मेरा योग नहीं लगेगा। चीज जहां स्थान पर रखनी है वह नहीं रखी, मैंने यह छोड़ दी। इतना जो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। सहज योगी, नेचुरल योगी, उनका चलना भी सेवा करता है, देखना भी सेवा करता है। तो आज मीडिया वालों की बात निकली, तभी तुमको यहां बिठाया, जरूरत नहीं है हमको बहुत पैसा खर्च करके मीडिया में देना। अरे वो आपके चलन को देख, वो देख बोले, मेरे को अच्छी सी बातें दो, आप ही डालेंगे, आप ही आएगा, क्योंकि जितना भगवान ने हमको सिखाया है दुनिया में न सिखाने वाला है, सिखाने वाला कोई इनके सिवा कोई है नहीं, पर सिखा करके क्या बनाया है वो देख रही है। जहां दुनिया में इतना भ्रष्टाचार, यहां इतना श्रेष्ठाचार,
दुनिया में पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हम पैसा सफल कर रहे हैं। रिकॉर्ड है हमारा, पैसा सफल किया है, व्यर्थ नहीं गंवाया है। कौन है दुनिया में बेचारे है, परेशान है, हमारा पैसा हम कैसे कहां लगाएं? नहीं, हमको सच्चाई सफाई से रह करके, सफाई है सच्चाई है, सच्चाई है सफाई है, और सिंपल रहने में हम रूखी रोटी खा के भी खुश रह सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ मिलता है खाने में, चार वारी पांच वारी खाना मिलता है यहाँ। हम पहले क्या खाते थे, कराची की बातें कभी सुना है ना, क्या खाते थे? सेवाओं पर पहले गए तो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, पर खुश बहुत थे। सब्जी नहीं होती थी, जो सब्जी रोटी भी खाए, घी नहीं होता था, हम रोटी मोटी मोटी रोटी बनाती थी, कपड़े में लपेट के रखती थी, रोटी को घी लगाना नहीं होता था, घी नहीं होता था। वो दो रोटी खाए, किसके साथ खाए, थोड़े आलू रसा बहुत का खा लो बस ठीक है। दो बारी खाना खाते थे, पंत खुश बहुत। इससे सेवाएं बहुत हुई है, बहुत सेवा हुई है, बड़े बड़े वीआईपी की भी सेवा हुई है, हमारी सिंपल लाइफ देख करके सेवा हुई है। तो जितना सिंपल रहने के लिए किसको सैंपल बनना हो ना, तो आज मैं चाहती हूं ऐसा कोई अच्छी तरह से सिंपल रह करके सैंपल बनना चाहते हैं तो कौन बनाएंगे उसको, कौन तैयार करेंगे? एक कमेटी बमेटी नहीं, ऐसा अच्छा सच्चा पुरुषार्थी ग्रुप कौन तैयार करेगा? शीलू, हाँ, सच्चा तीवर ऐसा पुरुषार्थी शब्द न करे, पुरुषार्थ क्या होता है, सिंपल रह करके सैंपल बनना, ज्ञान भी सिंपल तरह सुनावे, बहुत यहां वहां करके पॉइंट पर पॉइंट पर पॉइंट पॉइंट पर पॉइंट क्या जरूरत है? मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, घर जाना है, उसके पहले समर्पण, मेरा कुछ नहीं, उसको समर्पण कहा जाता है। फिर मनवानी कर्म श्रेष्ठ, फिर संकल्प श्वास समय सफला, ये ऐसा मुझे बताना। तो मैंने वहां हमारे आरसीओ वालों का, उनकी कल भी मीट, मैंने कहा कल मैं नहीं होंगी, कल मैं नीचे जाएंगी, नीचे वाले बहुत याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आज भी बुला, आज आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आज ओम शांति भवन में जाने दो, कल से नीचे होंगे। इसलिए ये जो मुझे अभी दिल की भावना है, सो भावना है हम बदलें, जग बदलेंगे आप ही देखना। अभी इतना बदलने में, जैसे शुरू में हम लोग झटपट कुल्फी एक पैसा, जल्दी जल्दी बनेंगे, अभी भी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाएंगे। मुख्य बात निकली है, अभी भी कोई न कोई अपने संस्कार के स्वभाव के वश में है, उसको चेंज करने के लिए एम ही नहीं है। मुझे चेंज होना है,
मेरे में कोई ऐसी मेरी नेचर न हो जो किसी को भी मुझे नेचर अनुसार चलना पड़े। ना ना, नेचुरल नेचर बाप जैसी हो। तो ये कौन नोट करेगा बहन? नेचुरल नेचर बाप जैसी हो, तो वो ऐसा जो करने में तैयार होवे ना। पर मैं कभी बना ना, पर मैं समझती हूँ ऐसे सेवा साथी अगर अभी अभी तैयार हुए ना, तो बाबा को ये हम नहीं कहे बाबा आ गया है, नहीं, वो आत्माएं कहे ये ज्ञान सत्य है। हमको तो पता है ना सत्य ज्ञान है, सुनाने वाला सत्य है, ज्ञान सत्य है, हमको सच्चा बनाया है, पर दुनिया वाले कहे यही सत्य है। सुना भाई, वो बोले ये सत्य है। ऐसे बोलने वाले, ऐसी सेवा करने वाले, ऐसे प्रभु के प्यारे, ऐसे अभी तैयार बैठे हैं, तो आप लोग ऐसा उनको जल्दी जल्दी खड़ा कर दो जो बेचारे सेवा में हाजिर हो जावे। ओके, ओम शांति। ठीक है, और कुछ अच्छा, अमृत वेला ईवा ठीक है, ओके, पॉसिबल है, अभी करना है, अभी करना है ना, करेंगे नहीं, अभी करना है, मुझे करना है, टाइम कहता है कर ले, बाबा कहता है तो करेंगे ना। मुझे एक बात बाबा की बहुत 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 याद आती है, बच्ची तुम अभी करेंगे ना तो मैं तुम्हारा साथी हूं। बाबा ने हमारे से वायदा किया है, मैं तुम्हारा साथी हूं, तो साखी हो करके ऐसी सेवा करने के लिए ड्रामा पर अडोल चल रहो। परंतु अगर अभी मेरे साथ का अनुभव नहीं किया, मैं बन जाऊंगा साखी, न रहूंगा तुम्हारा साथी। अभी साथी बन करके साखी रह हो करके रहने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, सिखा रहा है। अभी हम बाबा के साथ का अनुभव न करेंगे, बाबा बन जाएगा साखी। तुम जानो तुम्हारा जो पुरुषा ड्रामा में किया वो तुम जानो, बाबा होंगे। तो बाबा हमारा सदा अंत मते सोगते साथी होवे, ये हमको देखना है, जानना है, मानना है, ऐसी स्थिति बनानी है। ओम शांति।